हाय, मैं स्वरा परीक। मैं आज इटालियन चीजलिंग बना रही हूँ, गृहिणी शेफ चैलेंज 2। उसके लिए हमने सूजी ली है, उसको हमने मिक्सर में पीस लिया है, फिर उसके बाद हमने ग्रेटेड चीज लिया है, फिर उसके बाद हमने चिली फ्लेक्स और ओरेगानो लिया है, और उसके बाद हमने पैन लिया है और फ्राई करने के लिए ऑयल है। सबसे पहले हम सूजी लेंगे, जिसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद हम उसमें चिली फ्लेक्स और ओरेगानो ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये चीज ऐड कर रहे हैं, ग्रेटेड चीज है। उसके बाद हम टेस्ट अनुसार इसमें नमक डाल रहे हैं। इसमें नमक हम जरा ध्यान से डालेंगे, बिकॉज इसमें चीज है और उसमें भी सॉल्ट आता है। और इसको हम पानी से अच्छे से आटा गूंद लेंगे। अब चिली फ्लेक्स और ओरेगानो ना हो उसकी वजह से आप दूसरा कोई भी मसाला ऐड कर सकते हो, लाइक मैक्सिकन में कोई या इटालियन में कोई भी आप ऐड कर सकते हो उसमें। इसको हम अच्छी तरह से आटा गूंद लेते हैं। ये हमने अच्छे से आटा गूंद लिया है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल से पॉलिश करेंगे, इस पे ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से पॉलिश करेंगे, और इसको ढककर अच्छे से हम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे। हमने आटे को 15 से 20 मिनट रेस्ट दे दिया है, और उसके हमने छोटे छोटे ऐसे 2 गुल्ले कर लिए हैं। 1 कप में से 4 गुल्ले बनते हैं। इसमें पहले हम 1 गुल्ला लेंगे, उसके ऊपर हम दूसरा गुल्ला लेंगे और इसको अच्छे से हम बेल देंगे। ये करने का रीज़न यही है कि इससे हमारे चीजलिंग अच्छे से फूलेंगे और इसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा। इसको हमने अच्छे से बेल लिया है और इसकी थिकनेस हमें इतनी रखनी है। फिर इसको हम अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। मैं अभी इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ, आप इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हो। इसको हम हॉट ऑयल में हम इसको फ्राई कर देंगे अच्छे से। मीडियम गैस पे ही हम इसे फ्राई करेंगे, लाइट गुलाबी कलर को ऐसे फ्राई करेंगे। इसको आप डब्बे में रख के 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। देख सकते हो आप कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं ये। तो रेडी है हमारी इटालियन चीजलिंग्स, जिसे छोटे बच्चे लोग भी बहुत पसंद करते हैं और बड़े को भी बहुत पसंद करते हैं। तो फिर आप ज़रूर से इसे ट्राई करना।